उज्जैन शहर में आदतन बदमाशों के मकानों को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। गुंडे बदमाशों पर भी पुलिस कार्रवाई की जा रही है। शहर के गुंडे बदमाशों के मकान चिन्हित करके पुलिस और राजस्व विभाग, नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है और इन गुंडे बदमाशों के मकान गिराए गए। इस समय कई अपराध के लिप्त गुंडे बदमाशों के ऊपर शामद आई हुई है। पुलिस ने लिस्ट बनाकर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सीएम जो कार्रवाई में अव्वल नंबर पे आए हैं। देखिए, यहाँ पे निश्चित रूप से सीएम साहब की जो एक योजना है कि मध्य प्रदेश को पूरी तरीके से माफिया मुक्त बनाया जाए, और उज्जैन में बहुत हम लोगों ने बहुत अच्छे इसमें प्रयास किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, टीम वर्क के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस हो या फिर नगर निगम हो। जो भी हम लोग व्यक्ति आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि उनकी संपत्तियां कहां कहां पर हैं। अगर वो अवैध संपत्तियां हैं तो नगर निगम द्वारा उनको तोड़ने की कार्रवाई करी जाती है। अगर उनका एनएसए जिला बदर है तो वो उसकी कार्रवाई करी जाती है। प्रकरण दर्ज करने हैं वो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करी जाती है। तो एक टीम भावना के रूप में जो काम हो रहा है उसी का परिणाम है कि सीएम साहब ने उज्जैन के प्रयासों की तारीफ करी है। आगे भी हम लोग इसको जारी रखेंगे, और खासतौर पर राशन की कालाबाजारी से संबंधित, मिलावट से संबंधित और कानून व्यवस्था से संबंधित जो भी इस प्रकार के माफिया और गुंडे तत्व होंगे, उन सबका सफाया करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।